नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महामुनिराज की जय हो। गीत और संगीत की बात हो, संगीत की दुनिया में संगीन रहने वाला ये संसारी आत्मा राग रंग और श्रृंगार रंग अंतरंग की उस परिणति में लवलीन हो जाता है। कल उसी बात को एक मुखबाटी में बहुत अच्छा सूत्र मिला कि वस्तुतः संगीत कौन है और प्रीति किसे कहा। संगीत वह है या संगीत उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, अर्थात परिग्रह आरंभ परिग्रह आदि से रहित जो वास्तविक संगीत है, जो बाहर का संगीत हो या ना हो पर अंतरंग की वह परिणति में वह संगीत गुनगुनाता रहता है। आनंद की अनुभूति वहां कुछ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई चाय नहीं है, मात्र एक ही आनंद के वह गीत को गाता रहता है। तो संगीत में उसे मानता हूं जो संगातीत हो और प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत हो। यानी अंगों से प्रीति नहीं, अनंग से प्रीति करो, उस आत्मा से प्रीति करो। बाहर के रूप रंगों में प्रीति करने वाले तो संसार में बहुत मिलेंगे, लेकिन उस आत्मा से प्रीति करने वाले संसार में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अंगातीत प्रीति हो, मेरा संगी संगीत सप्त स्वरों से अतीत। और दूसरी बात एक और कल अपन ने समझी थी कि देखिए ये संगीत जो संसार का जो है, जिसे सुनकर के लोग तन्मय हो जाते हैं, मदोन्मत्त हो जाते हैं, खो जाते हैं राग रंग में, वो क्या है, उसके स्वभाव क्या है, उसकी परिणति क्या है। लिखा है कि श्रृंगार के अंग अंग ये खंग होता है और सील वाले होते। आप एक खंग का अर्थ क्या है, खड़ग। वहां पर खंग अपन कल उसको स्पष्ट नहीं कर पाया था, खंग का अर्थ है खड़ग, उतार सील वाला। तलवार को आपने देखा है कैसी होती तलवार, तलवार जो है जब सामने देखते हैं तो वहां कैसी होती है, ऊपर जहां पकड़ते हैं यहां से लो तो नीचे नीचे पतली पतली होती चली जाती, पैनापन उतार सील वाली होती है। और जितना जितना उतार उसका बढ़ता चला जाता है, पतलापन उतना उतना पैनापन भी होता चला जाता है। वैसे ही यहां उसी बात को कि श्रृंगार के अंग अंग खगंग खंग उतार सील वाले हैं, यानी उस तलवार के उतार सील यानी पैनेपन वाले हैं, बढ़ते ही जाते हैं। और युग चलता जा रहा है किसमें, उसी में, उस रंग श्रृंगार के कारण से, श्रृंगार के रंग रंग अंगार सील वाले हैं। भी अंगार सील यानी आपको हमेशा जलन, कुछ क्षण को तो अच्छा लगता है, बाद में
भी बहुत पीड़ादायक कष्टदायक बनकर के उसको दुख देने वाले हो जाते हैं। वही अंगारशील युग जलता जा रहा है, इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज। आज मुझे इस अपाय का उपाय मिला कि अनादिकाल से युग जलता 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 कब से जल रहा है पता नहीं, कितना समय हो गया जलता ही जा रहा है। मुझे आज मिला 145 नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं मुखमाटी में, आज चलते हैं। आज उसी वो श्रृंगार रस के बाद जो संगीत की बात आई, क्योंकि जहां संगीत होता है वहां श्रृंगार हो जाता है ना। श्रृंगार रस का हमेशा राग रूपी होता है। अब आज की क्लास चालू होती है। आज बहुत अच्छा दिन है। आज कौन सा दिन है? हिंदी दिवस आज का दिन है। ये पूरा विश्व आज हिंदी यानी राष्ट्र मध्य प्रदेश ना नहीं कहते हुए पूरा भारत आज की इस तारीख को हिंदी दिवस के रूप में मना रही है। सारे विश्व में भी हिंदी की बात हो रही है और आज हिंदी का महाकाव्य मूक माटी, अभी तक तो बड़े बड़े काव्य लिखे गए, संस्कृत में भी लिखे गए हैं, प्राकृत में भी लिखे गए हैं, लेकिन हिंदी के महाकाव्यों की तुलना की है। यह तो एक कवि ने लिखा है कि शायद ऐसा हिंदी का महाकाव्य अब तक मैंने पहली बार ऐसा पढ़ने में आया है। दर्शकों ने, लेखकों ने, समालोचकों ने मूक माटी को देख करके और इस हिंदी के महाकाव्य को इतना विशाल रूप, इतनी विशाल सोच देने वाले एक लेखक की एक माटी के महत्व को कितना महान बना दिया। एक जिसका कोई मूल्य नहीं है ऐसी माटी का कितना मूल्य प्रदर्शित कर दिया, मूल्यवान बना दिया उस माटी की महिमा को, एक मानवता के स्वरूप में प्रदर्शित कर दिया। और अगर यह मानव उस माटी के स्वरूप के समझ जाए तो महामानव बनने में उसे देरी नहीं लग सकती है। आज चलते हैं आगे की आज की मुख माटी में श्रृंगार रस के संगीत में माहौल में चलते हुए कहा जा रहा है, तन का खेद टल कर चूर होता पल में, क्योंकि जब उसको ये बताया गया कि तू किस पर गर्व कर रहा है, किस पर अहंकार कर रहा है, तो वो उसको यहाँ पे बताया कि तन का खेद यानी क्लेश, खेद कहो क्लेश कहो है ना, टलकर चूर होता पल में, मन का भेद धुलकर दूर होता पल में, इसका पान करने से मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी सीत है। जैसे ही उसने सही स्वरूप और अमृत पान किया, शिल्पी के मुख से श्रृंगार रस की बात का परित्यजन करने की बात कही कि तू इससे दूर रहे, क्योंकि ये तेरे लिए वह खड़क के समान भी हो सकता है, तुझे दुख का कारण हो सकता है, पर मेरा संगी संगीत जो अंतरंग का संगीत है, उस संगी संगीत को समरस नारंगी सीत है, अनेक रंगों वाला। नारंगी का अर्थ क्या होता है? एक रंग नहीं है, नारंगी अनेक रंगों वाला, सीत शीतलमय है, वही सही है जिससे मल धुल जाता है, दूर होता है पल भर में इसका पान करने से। शीतल है नारंगी के अर्थ, नाना रंग भी होता है, है ना, नाना रंग भी होता है, और एक नारंगी का शीत जैसे संतरा उसको भी नारंगी कह देते हैं ना, हाँ तो वो भी नारंगी है, लेकिन नाना रंगी अर्थ उसमें एक ये है कि नाना रंग रूप है।
तो ऐसे ही ये दुनिया की परिणति तो नारंगी के समान शीत स्वभाव भी है, जैसे शीतल रंगों में रंगा हुआ भी है। नारंगी शीत है, किसी वय में बन करके रह सकूं रहा नहीं जाता है, यानी किसी एक उम्र में, वय में अर्थात न बचपन में न जवानी में न प्रौढ़ अवस्था में और न बुढ़ापे में, इसको किसी वय में बन करके रह सकूं रहा नहीं जाता है, और किसी लय में सद करके कह सकूं कहा नहीं जाता है, क्योंकि अंतरंग का गीत उसे कोई लय से नहीं, अंतरंग के गीत तो उसकी लय ही कोई छंदों में नहीं है। यहाँ किसी कहीं लय को सद करके कह सकूं कहा नहीं जाता, मेरा संगी संगीत मुक्त नंगी रीत है। वहां कोई नंगी रीत करते, यहाँ पे वह नग्न दिगंबर स्वरूप मुक्त स्वरूप, जहां कोई तन से कोई राग नहीं, एकदम वितराग स्वरूप है, वितरागता से भरपूर है। इसलिए मेरा संगी संगीत मुक्त नंगी रीत है। और देखो कल्पना करते हैं वो कैसा है, तुलना की जा रही है आपको। अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है तो गुरु गौरव सा, जैसे अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है तो गुरु गौरव सा कल्प काल वाला लगता है, यानी कल्प काल किसे कहते हैं, करोड़ों वर्ष वाला, कूड़ा कोड़ी में कूड़ा कोड़ी का गुणा कर दो है ना, तो कूड़ा कोड़ी होता है, और कूड़ा कोड़ी को भी कूड़ा कोड़ी से विभाजित करो तब कल्प काल जैसी स्थितियां आती है। इसलिए उसका सीधा करोड़ों साग वर्षों वाला, जिसकी कोई आज तक हम बांधने की कोशिश करें नहीं कर सकता। जैसे आप सागर के जल राशि को देखते हो तो कहां तक, जहां देखो पानी ही पानी नजर आता है, उसे बांधना, उसकी सीमा को आंकना जैसे संभव नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो सागर की सीमा है, लेकिन संसार सागर की सीमा नजर नहीं आती, असीम। फिर भी हम वर्तमान के से जल राशि को देख करके ऐसा लगता है कि असीम है, बहुत है, बहुतपन का महसूस होता है, पर बंधु ऐसा नहीं है। वो असीम वाला होकर के सागर लगाता है अध्यात्म, लेकिन अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है, पहले सागर की ओर दृष्टि जाती तो कैसा कल्पकाल जैसा वाला लगता है, और अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है तो कैसी लगती है, अल्पकाल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों से भंगायत है, अनेक रंगों से रंगायत है, तरंगायत मेरी संगी संगीत है, सप्तभंगी रीत है। ये दुनिया की परिणति के बारे में कहा। सागर को देखते हैं तो कैसा लगता है, बहुत है, और सागर की लहरों को देखते हैं तो एक लहर बनती है ना, और दूसरी लहर दूसरे क्षण वो बड़ी हो जाती है, मिटती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। देखो ये बताओ, शुरुआत में जब लहर की उत्पत्ति होती है तब कितनी होती है, बड़े अच्छे से जाकर के किसी शांत जलाशय या नदी के किनारे पहुंच जाना तुम, है ना, और जाकर के बहुत अच्छे से जाना तो कभी कुंडलपुर में जाकर के देखना, वर्धमान सागर में। अब यहां तो अपन देख कह सकते जो सामने देखे, और
जल मंदिर के पास बैठ करके तुम एक छोटा सा पत्थर बीचों बीच में डालना है ना, फिर वहां से तुम गौर से देखना, कभी हो लहरों के बारे में देखना कि शुरुआत में जहां पत्थर गिरा वहां लहरों की उत्पत्ति हुई और चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं, एक दिशा में नहीं चलती लहर, हमें से चारों ओर चलती है समस्त वलयाकार, और वलयाकार होने के कारण से जैसे ही आप उसमें डालोगे लहर उठेगी, फिर आएगी उस लहर, वो एक लहर दूसरी लहर को जन्म देगी क्योंकि पानी को पूरा तरंगायत करेगा, एक लहर दूसरी लहर को देगी जन्म, तो वो लहर छोटी उठी फिर उसने और बड़ी बनाई, फिर उसने और बड़ी बनाई, बढ़ते बढ़ते किनारे तक आते आते उस लहर का स्वरूप देखिए, जहां उत्पत्ति हुई थी वहां छोटी सी हुई, लेकिन बढ़ते बढ़ते किनारे तक लहर आते आते वह पूरे सागर को लहरायित कर देती है, तरंगायित कर देती है। ऐसी सागर की, ये तो मात्र एक छोटी सी लहर है आपको दिखाना है, लेकिन जब सागर की लहरों को देखते तो आपको पता चलता कहां इनका जन्म हुआ, किनारे पर जब आकर के टकराती है उसकी थपेड़े लगते हैं, लोग क्या देखने जाते हैं बताओ, सागर के किनारे बैठे बैठते लहराता हुआ सागर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञानी जनों से पूछो कि उथल पुथल करने वाला सागर उन्हें अच्छा लगता है कि शांत सरोवर उसे अच्छा लगता है। अब होता है महाराज, हमारा मन तो उछल कूद करने वाला है, इसलिए सबसे ज्यादा शांत सरोवर पर बैठने वाले, शांत सरोवर पर बैठ करके ध्यान करने वाले कितने, दो चार, और जाकर के बंबई के उस बीच पे जाकर के खड़े होकर के मस्ती, गोवा के उस बीच पे जाकर के मस्ती करने वाले हजार, दो चार और हजार में अंतर बहुत, क्योंकि लहरों के उथल पुथल बीच में बैठ करके आदमी का मन भी उथल पुथल होता है, वाह कितनी बड़ी आ रही है, देखो वो आ रही है, ऐसा करते हैं, और देखो वो कितनी बड़ी आ रही है, झूम जाता है मन उसका। पर ज्ञानी जन क्या करते हैं, ज्ञानी जन कहते कि ओहो जैसे ये लहर एक के बाद कितनी बड़ी उछल, एक के बाद फिर कितनी उछलती हुई आ रही है, वैसे ही मन भी हमारा इन लहरों की तरह, ये पर्याय भी इन लहरों की तरह है, उद्गल की परिणति भी बिल्कुल ऐसी ही लहरों की तरह है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन लेकिन क्या ये लहरों में स्थिरता नहीं होती, स्थिरता तो अगर है तो शांत सरोवर के स्वरूप में है। वैसी जीव तत्व को जब अपन दृष्टिपात करते हैं, आत्मा को दृष्टिपात करते हैं, आत्मा को दृष्टिपात करते हैं तो वहां पर कोई चहल पहल नहीं होती, सागर की तरह कब से है, अनादिकाल से है, कब तक रहेगा, अनादिकाल तक रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, जीव को मिटाने वाला कोई नहीं है, जीव का नाश करने वाला कोई नहीं है, आत्मा का अस्तित्व कभी किसी ने मिटाया नहीं है। लोग कहते हैं इससे अच्छा तो हमें जीव को जीना अच्छा नहीं है, तुम शरीर का आघात कर सकते हो पर आत्मा का आघात नहीं कर सकते हो, पर लोगों लोक में ये कहा जाता है आत्महत्या कर दी, आत्महत्या नहीं होती है ना, आत्मघात नहीं हो, आघात तो होता है, वेदना तो होती है, संवेदना होती है, लेकिन आत्मघात जिसका होता है
वो तुम्हारा जड़ पुद्गल है। यही है कि मशीन बिगड़ गई या मशीन को रोक दिया, गाड़ी की इच्छा आगे गति रुक गई, प्रगति रुक गई, अब आगे नहीं जा पाए भाई, अब गाड़ी बदलो, अब तुम्हें नई गाड़ी मिलेगी, क्योंकि श्वास रुकी, दफना गया। आंख मुदी, अपना गया। दो दिन का मेहमान, श्वास रुकी और दफना गया, ऐसा कहा गया। ये सपने की दुनिया है जिसे अपन देख देख करके मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा करते रहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा अच्छा है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा घर है, ये मेरा तेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है। पर बड़े सोचो कि इतने बड़े बड़े जमींदार इस धरती पर आए है ना। एक भरत चक्रवर्ती ने भी सोचा होगा, ये ऐसे ऐसे हमारे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे 12 चक्रवर्ती हुए इस काल में, और पूरे आज कितने खंड के अधिपति हैं वो 6 के। तुम्हारे अब तो अभी एक ही खंड है, जो तो सोचते हो अपन एक खंड भी नहीं है, वे तो 6 होते हैं। सोचो अपन तो छोटी सी जमीन पे इतना सोचते कि ये मेरी है, इसके अलावा और कोई की हो ही नहीं सकती है, क्या भिन भिना रही हैं। जब इस प्रकार की नाक बहने लगी, उसने देखा ये श्रृंगार का स्वरूप देख करके, और नाक में कुछ गाढ़ापन अर्थात सर्दी जब हो जाती है, और सर्दी जब नाक से बहती है उसको बाहर फेंकते हैं, फेंकते ही मक्खियां उस पर क्या हो जाती हैं, भिन भिनाने लगती हैं, विषयों की रसिकाएं हैं। जैसे मक्खियां ऐसी विषय जीवी घृणा के समान हैं, उस पर हम भिन भिनाते रहते हैं, संसारी आत्माएं है ना, ऐसे भिन भिनाते। ऐसा लगता है विवस रस में ही श्रृंगार को नकारा है, चुना है, अन्यथा सबकी नासिकाएं अनुनासिकाएं नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है। देखो और ऊपरे अधर पर चिपकता हुआ, निचले अधर पर उतरता आया हुआ मल। आप लोग तो समझदार हो, वे छोटे छोटे बच्चों को जब सर्दी हो जाती है अभी हाथ से पहुंचते नहीं तो कैसी ऊपरल गंगा जमुना सी बहती है, ऊपरल अधर से चिपक कर, यानी ऊपर की ओट से है ना, ऊपर की ओट से निचले अधर की ओर वह मल बह रहा है, नीचे ओट की ओर बीच में, और सिंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया। सिंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से। कैसे? बड़े ही चाव से, जिसे देखकर सिंगार की अज्ञता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोत श्रोता स्वनी है ना, स्रोत की स्वनी ऐसी जनन देने वाली, सारे रसों की जननी, सभी रसों को जन्म देने वाली ऐसी श्रृंगार की अग्रता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोतस्वनी प्रकृति मोह कुपित हो आई। क्या करता है? जैसे माँ जब कोई बच्चा है उसको तो नहीं पता, और जैसे ही वो देखता है अरे जी ऐसा कर रहा है, तो वो माँ उसके गले पे एक क्या करती है, वो माँ कुपित हो आई और श्रृंगार के गालों पर 2-4 छांटे दिए। क्या करता है? श्रृंगार के गालों पर 2-4 छांटे दिए, बाल लाल के गाल ये प्रवाल सम लाल हो आए। प्रवाल पृष्टि है ना, वो गुलाबी गुलाबी जो आप देखते ना, तो न लाल होती ना एकदम सफेद होती है, और जब उसके गाल पर उसके 2 पड़े तो उसके गाल कैसे हो गए, प्रवाल सम लाल हो आए। सुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से
माँ का सतीत्व। वाह बहुत अच्छी मातृ बात आ रही है आपको कि माता वह अकेली नहीं है, माता कौन होती है। मूक माटी में माता का सही लक्षण दिखाया जा रहा है आपको कि माँ कैसी होती है, माँ का कैसा गुण होना चाहिए, माँ का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो मात्र एका सुत को प्रसूत कर, प्रसूत अर्थात जन्म देकर, मात पुत्र को जन्म देकर विश्व के सम्यक प्रस्तुत करने मात्र से, सारे विश्व के सामने प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व वह विस्तृत सार्थक नहीं होता। विशेष श्रुति सुनकर के सार्थक नहीं होता। प्रतियुत क्या होता है? सुत संतान को, सुसुप्त शक्ति को सचेत, जो उसकी सुत यानी संतान, सुत कहो पुत्र कहो पुत्री कहो, है ना, सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को जो उसके अंदर सोई हुई है, वो नहीं जानता, वो तो अज्ञानी है, उसको बताने की जरूरत है, उसको अभी पता नहीं है कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, उसे नहीं मालूम है। सत संतान को सुसुप्त शक्ति को सचेत और सत प्रतिशत सशक्त साकार करना होता है संस्कारों से, संतों से यही श्रुति सुनी है कि माँ ही अपने बच्चों को सत्संस्कारों से संस्कारित करती है। अगर माँ अपने बेटे के गलत कार्य को देख करके और उसको डांटती नहीं, उसके गाल पर थपेड़ लगाती नहीं, तो समझ लेना वो माँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो माँ नहीं है। माँ का काम होता है कि अगर संतान किसी गलत कार्य में तत्पर हो, गलत कार्य में लगी हो, तो तत्काल उसको सचेत करती है कि देख तुझे ये गलत कार्य करना उचित नहीं है। ऐसा कहा, किसने कहा? संतों की यही श्रुति सुनी है। ऐसा मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संतों ने भी यही कहा है। और क्या करें, देखो संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का। अवनति अर्थात बुरा कार्य जो करने योग्य नहीं है। मान लो अगर उसने ऐसा किया है, गलत कार्य में तत्पर है, वही कि संतान की अवनति, अवनति कर नीचे गिरने वाला कार्य, पतन का कार्य, पाप का कार्य, अवनति से ये लेना, बुरे कार्य जो इस मनुष्य को, इस संतान को करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्य संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है उसे दूर करने के लिए कि ये तुझे नहीं करना चाहिए था, ये तेरे करने लायक नहीं है, ऐसी उसकी निग्रह के लिए उठता है माँ का हाथ, उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का मात उठता है माँ का। अगर कोई संतान बुरा कार्य करती है तो बदनामी किसकी होती है बताओ? सबसे पहले जब अपन समाज में रहते हैं, देखिए एक व्यक्ति के बुरे कार्य करने से कहां तक कितनी बात पहुंचती है। जब आप किसी मोहल्ले में रहते हो, आपका बेटा कुछ गलत करके आता है तो पूरे मोहल्ले वाले कहते फलाने का बेटे ने ऐसा काम किया, है ना, तो किसकी बदनामी हो रही है? उस माता और पिता की। बेटे ने किया है गलत काम, लेकिन माता पिता का कोई दोष नहीं, दोष यही है कि उसको गलत काम से उसने कभी रोका नहीं है, उसका समर्थन करती रही है। फिर बाद में अगर और बड़ा हुआ तो पूरे नगर में चर्चा हो जाती है
तो फिर कहाँ किया जाए, अरे फलाने मोहल्ला की मोड़ाने का करो, फिर मोहल्ला की बदनामी होती है। देखिए आप, घर के बाद फिर मोहल्ले में घर की, और घर के बाद फिर नगर में पहुंचे तो अरे फलाने मोहल्ला के बाढ़ को लड़के ने ऐसो करो, तो मोहल्ला की बदनामी हो गई। और फिर बाद में थोड़ा सा संभाग में, अरे भैया सागर जिले की लड़का ने ऐसो काम करो, पूरे जिले की बदनामी होगी एक व्यक्ति के करने से, पूरा जिला बदनाम हो गया। और फिर बाद में पूरे देश की बात जब आई, जब एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, रो मध्य प्रदेश में ऐसा हो गया, मध्य प्रदेश के व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, वहां मध्य प्रदेश आ गया, प्रदेश मुख हो गया एक गलत काम करने वाले से। और जब पूरे देशों में विश्व की बात आएगी तो बोले कि भारत देश में ऐसा हो गया। और जब कोई एक अच्छा काम करता है तो देखिए, जैसे यहां पर अच्छाई के क्षेत्र में, उससे कई गुनी विकास के क्षेत्र में, कि एक जैन समाज के बेटे ने ऐसा काम किया, पूरे मोहल्ले में चर्चा होती, नगर में चर्चा होती, देश में चर्चा होती, प्रदेश में चर्चा होती है। एक जैन समाज का बालक जाकर के ये कार्य करेगा, उसने ऐसा काम किया है, अच्छाई में भी उसका माथा उठता है और बुराई में माथा झुकता है। झुकना और उठना वही है कि जिस समय वह हाथ उठाती है उठता, लेकिन जब संतान उन्नति के कार्य में अनुग्रह का माथा उठता है मां का। और यही हुआ प्रकृति मां की आंखों में रोती हुई करुणा, क्योंकि जब उनने देखा है ऐसी दशा है, इन दोनों लड़ रहे झगड़ रहे हैं, ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसके अंदर करुणा है। बिंदु बिंदु करके दृग बिंदु के रूप में करुणा कह रही है, कण कण से कुछ क्या कह रही है उसकी करुणा, उसकी करुणा कुछ कह रही है, कुछ परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में, आपस में दोनों क्या हो गए, परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में, बहुत हुआ वह गलत हुआ, बहुत हुआ वह गलत हुआ, मिटाने मिटने को क्यों तुले हो इतने सयाने हो, इतने सयाने हो, समझदार हो, सोचिए मिटने मिटाने को क्यों तुले हो इतने सयाने हो, जुटे हो पिलाए कराने बिस्के धुले हो, तो हो तुम किसके धुले हो, बिस्के बिस्से धुले हो तुम, बिस्से नहीं बिस्से धुले हो, कौन सा बिस, सबसे बड़ा जहर। देखो एक और लोक में एक कहा जाता है कि एक वो जहर होता है जो आदमी के शरीर को क्या करता है, मार देता है, नाश कर देता है, और एक जहर वो होता है जो आदमी के तन का तो घात करता ही है, ना जाने कितने लोगों के जीवों का घात कर देता है, और कितने भाव का विघात कर देता है, कितने भाव भाव का नाश कर देता है, कई भाव तक जाकर के भटकता रहता है। मात्र एक भाव की जहर नहीं, ये विषय जहर ऐसे होते हैं, ना जाने कितने भाव तुम्हारे चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे, इन जहरों की जहर से अपने आप को दूसरे विष से धुले हो तुम, इस घटना से बुरी तरह मां घायल हो चुकी है। कौन, प्रकृति मां कहते, वो मां माटी मां वो घायल हो चुकी है, जीवन का जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति मां का व्रण सुखाओ।
कि तुम अपने जीवन को रण मत बनाओ, प्रकृति माँ का व्रण यानी घाव जो हो चुका है, तुम लोगों ने जो पहुंचाया है, प्रकृति उस माँ के घाव को सुखाओ। कितनी बार घाव करते रहोगे, कितने और घाव देते रहोगे, ये घाव मत दो, उस प्रकृति माँ के व्रण को सुखाओ। क्या करो, कैसे सूखेगा, तो कहा जा रहा है सदैव बनो। सदैव का अर्थ सदा दयावान बने रहो, उसका नाम, जहां जिसके पास सदा दया रहती है उसका नाम सदैव। सदैव बनो, अदय पर दया करो, सदैव बनो अदय पर दया करो, अभय बनो सभय पर किया करो। यानी जो भय से सहित है उसका नाम सभय, वैसे व्यक्तियों पर अभय दान दो। जो हमेशा सदैव बना हुआ है, जो अदया भाव से ग्रसित है, ऐसे व्यक्तियों पर दया करो। और जिसके अंदर अभय बना बनो, जो भय से भरे पड़े हैं या जिनको भय है, भय पर किया करो अभय की अमृतमयी दृष्टि, सदा 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 सह दृष्टि रे जिया समष्टि, जिया करो सब पर दिया करो। हे आत्म हे जीव, जिया का अर्थ क्या, जीव कहो आत्म कहो, सदा 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 सह दृष्टि रे जिया समष्टि, जिया करो, जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। क्या चुकाओ, इस प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ, तेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। ये मत सोच कि मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, सबसे बड़ा यही कर्जा है कि कहीं तेरा अपना फर्ज जो है वो फर्ज से तू मुक्त तो नहीं हो रहा है। ऐसा ऋण ना चुकाओ, अपना ही नामांकन हो पर का भी मूलांकन हो, पर इस बात पर ध्यान रहे पर की कभी ना वांछन हो, पर कभी पर कभी ना लांछन हो। बहुत अच्छा ये शब्द है कि देखिए अपना ना अंकन हो, लोग कहते मैं ही ऐसा हूं, अरे आपको क्या पता हम का करत है, ऐसे कहते ना, अपना दूसरों को अपना आंकने की नहीं, हम स्वयं अपने मुख से दूसरों को बताते हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हमने ऐसा किया है। मात्र अपना अंकन नहीं होना चाहिए, पर का भी मूलांकन हो। मात्र अपनी अपनी बात कर मत करो, दूसरे व्यक्ति भी क्या करते हैं। आज परोपकार के क्षेत्र में देखिए एक बात बहुत अच्छी आती है कि अपना उसमें कहते हैं एक पानी एक ऐसा प्राणी है, कभी ये नहीं कहता कि मैं गरीबों को बरसा हूं कि अमीरों को बरसा हूं, ऐसा करता है क्या, वो भेदभाव करता है, कभी नहीं आंकता, ये गरीब है इसको नहीं, इसकी प्यास नहीं बुझाना, ये अमीर है इसकी ही बुझाना, नहीं। उस पर लिखा है कि जैसे बरसात कभी किसी के व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, सबके हित में मेघ बरसते हैं, वर्षा होती है, अंतर इतना है कौन कैसा पी सका, कौन कितना उसको पीने वाला होगा, कौन किसका उसको लेने वाला होगा, ये उसके हाथ में। नदियां कभी भी किसी के लिए नहीं होती, एक अपने ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है परोपकाराय तरु प्रसूति, चार बातें लिखी हैं, परोपकाराय बहंती नद्या, ऐसा शब्द परोपकाराय तरु नहीं गवाम प्रसूति है ना, और परोपकाराय सताम विभूति,
चार प्रकार के, कि परोपकार के लिए तरु अपने फल फल फूल देते हैं। किसके लिए? आज तक किसी पेड़ के फलों ने अपना स्वयं फल खाया? कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, परोपकार है नदी प्रवासा, बहंती नद्या या नदी प्रवासा, ऐसा शब्द भी आता है, या बहंती नद्या ये शब्द है, कि परोपकार के लिए नदियां हैं। देखो कोई भी आ जाए, चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए, चाहे कोई उसमें गंदगी छोड़ के जाए, चाहे उसमें कोई नहा धो करके अपना सब कुछ करता चला जाता है, सारी गंदगी अपने जाता नहाता धोता साबुन से सारा शरीर का मल उसमें छोड़ाता है, लेकिन नदी ने कभी शिकायत की कि देख मैं आया, मैं तेरे घर से सोची थी कि यहां से अच्छी साफ सुथरी जाऊंगी, पर तूने क्या कर दिया मुझे? कभी शिकायत नहीं की आज तक तुमसे। इसलिए परोपकार के भाव नदियों के प्रवास बहने में होता है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। और परोपकार आए दुहंती गावा, ऐसा दुहंती गावा, गाय दूध देती है, लेकिन कभी गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है। रूखी सूखी घास दे देते हो सकता है थोड़ी बहुत और अच्छी है, थोड़ी आदमी बड़ा लोभी है, अरे भैया ज्यादा निकले तो थोड़ी खरी वरी खिला दो, थोड़ी सी अच्छा गुड़ वगैरह खिला दो। क्यों खिला रहा है? ये खिलाने में कहीं ना कहीं राज है, स्वार्थी है भैया, इसको खिलाएंगे तब तो दूध अच्छी देगी, और नहीं खिलाएंगे तो जैसा खिलाओगे वैसा दूध देगी। तो उसको खिलाने का भाव उसका ये है कि आज उसको अच्छा खिला रहा है तो अच्छा चाय की रख करके चाहता है, वैसे ही वो फिर भी इतना तुम कुछ करो जैसा खिलाओ वैसा दे देती है। भाई उसका परोपकार आए द्वंती गावा, गाय हमेशा परोपकार के लिए ही, ये उसकी प्रकृति सत्य यथार्थ है। और चौथा चरण दिया है परोपकाराय सताम विभूति, ये सज्जनों की विभूति जो है किसके लिए है? हमेशा साधु संत कभी अपने उपकार तो करते ही है, लेकिन उनके उस उपकार की भावनाओं को देख करके, उद्धार की इस परंपराओं को देख करके ना जाने कितने भव्य जीव उनकी मार्ग पर चलना चालू कर देते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। वही भाव है कि पर का आकल नहीं अपना मूलांकन भी, उसका पर का मूलांकन हो, इस बात पर ध्यान रहे, पर का पर की कभी वांछा ना हो और पर कभी लांछन ना हो, दूसरों पे ही लांछन लगाना, अपनी कमी देखो अपना भी देखने की कोशिश करो, जीवन को मत रण बनाओ। बहुत अच्छा, जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति की माँ का मन ना दुखाओ, प्रकृति माँ का ना मन दुखाओ। ये आज की पंक्तियां भी और अच्छी प्रकृति माँ की बात आप लोगों के संबोधन के रूप में चल रही हैं, और ऐसा ही संबोधन करते हुए करुणा के माध्यम से प्रकृति माँ अपनी बात आप लोगों को और हम सबको संबोधन के रूप में दे रही है। आगे विषय आज यहीं पर अभी रुकता है, आगे की बात अपन बाद में करेंगे, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।